गुड मॉर्निंग। चलो एक मैथमेटिक्स का डाउट देखते हैं जो फिटजी रांची के स्टूडेंट ने पूछा है, और इस डाउट में हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे। उस ट्रिक से AMGM एक टूल होता है, AMGM इनइक्वालिटी, उसको यूज करते हुए कुछ लंबे क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं। और सीखते हैं वो ट्रिक क्या होता है। तो क्वेश्चन का सोर्स पहले देते हैं। क्वेश्चन का सोर्स है फिटजी रांची का स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x³ y टू द पावर 4 इफ 2x + 3y इज इक्वल टू 7 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशंस गिवन है। सोल्यूशन हम लोग ट्राई करेंगे यूजिंग AMGM इनइक्वालिटी, जो एक ट्रिक होता है। वो अगर आपको ट्रिक आता है तो आप खुद से एक बार अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन को, फिर सोल्यूशन मैच कर लेना, ट्राई कर लो खुद से एक बार सॉल्व करने का। इन केस आपको नहीं आता, आप सिर्फ ट्रिक सीखना है, तो डायरेक्टली सोल्यूशन देख लो। तो करना क्या है, सिंपली जो गिवन कंडीशन है पहले उसको देख लो। गिवन कंडीशन ये है 2x + 3y इज इक्वल टू 7, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, निकालनी है x³ y टू द पावर 4 की। अच्छा, अब दोनों में एक्स वाले टर्म्स को पहले चुन लो। गिवन कंडीशन है वहां एक्स वाला टर्म कौन सा है, गिवन कंडीशन में एक्स वाला टर्म है 2x, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वहां पे एक्स वाला टर्म कौन सा, x³। उसका पावर बस देखो, पावर कितना है 3, पावर है 3। एक काम करेंगे, 2x को 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, तो नंबर हो जाएगा 2x/3, 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 3 नंबर बन गए। ये करने से हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, तुरंत तो आपको समझ आएगा कि कैसे करते हैं इस काम को। ठीक, अब वाई वाला टर्म देखो यहाँ पे, तो वाई वाला टर्म यहाँ पे 3y है, वाई का पावर यहाँ पे कितना है, वाई का पावर है 4। 3y को 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, 3y/4, 3y/4, 3y/4 और 3y/4। ठीक है, चार बार आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो 7 नंबर्स बन चुका है, इनका AM और इनका GM निकालेंगे। ठीक है, इसमें यूज करेंगे हम लोग, AM शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू GM, अर्थमेटिक मीन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं, इन 7 नंबर्स को ऐड करेंगे, अपॉन 7 कर देंगे, तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। आओ करते हैं ट्राई, 2x/3 + 2x/3 + 2x/3, 3 बार होगा, लिख सकते हैं 2x/3 × 3 + 3y/4, 4 बार ऐसे रिपीट होगा ऐड करने के टाइम, उसको सिंपली लिख सकते हैं × 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है और पावर 1/7 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, खुद से मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है, 2x/3, 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 तो मल्टीप्लाई का पावर 3 हो जाएगा। 3y/4 ये खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। होल रेस्ट टू पावर 1/n होता है, जिसमें n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 7 नंबर ऑफ टर्म्स थे, 1/7 हो गया। बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन में 3 कैंसिल्ड, यहाँ 4 कैंसिल्ड, ये हमें फायदा मिला इतने पार्ट्स में ब्रेक करने का। आगे और देखो, और अच्छे से क्लियर होगा ये ट्रिक कैसे काम करता है। 2x + 3y ऊपर क्या आ रहा है, 2x + 3y, इसकी वैल्यू तुम्हें पहले से पता है, 2x + 3y की वैल्यू कितनी होती है, 7 है। पुट कर देंगे 2x + 3y की वैल्यू 7 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे चाहो तो नंबर वाले पार्ट को अलग कर दो, 2/3 का क्यूब है, 3/4 का पावर 4 है, और साथ में क्या है, साथ में x³ y टू द पावर 4, यही वो टर्म है ना जिसकी मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें निकालनी थी, वो आ गया टर्म। देखो बहुत आराम से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, इससे आगे तुम खुद से भी कर सकते हो। वैसे तो 7 7 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब ये जो 1/7 आ रहा है, इसको राइट से लेफ्ट में लेके जाएंगे, पावर 7 हो जाएगा, तो 1 टू द पावर 7 कितना हो जाएगा, 1 टू द पावर 7, 1 रह जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर क्या बन रहा है तुम्हारे पास, 2/3 का पावर 3 एंड 3/4 का पावर 4, साथ से मल्टीप्लाइड x³ y टू द पावर 4। बहुत अच्छी बात है। ओके, अब x³ y टू द पावर 4 को यहीं छोड़ दो, बाकी सबको राइट से लेफ्ट में चले जाओ। ठीक है, इन सबको राइट से लेफ्ट में लेके चले जाओ, तो ऊपर क्या आएगा, 3 का पावर 3 ऊपर आ जाएगा, 3 का पावर 3 ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 का पावर 4 ऊपर क्या आएगा, 3 टू द पावर 3, जो डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 टू द पावर 4 अपॉन में 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x³ y टू द पावर 4। ये स्टेप क्लियर होगा आप लोगों को, जब देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा। ठीक है, और इधर कैलकुलेट करेंगे तो क्या बचेगा, 4 टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 4 को 4 बार 4 लिख लो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, एक 3 अलग से है तो 3 लिख देते। ये x³ y टू द पावर 4 का मैक्सिमम वैल्यू इतना आना चाहिए,
एक्स क्यूब वाई टू पावर फोर का मैक्सिमम वैल्यू इतना आना चाहिए, वही कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो टू टू से एक फोर कट गया, एक टू से ये फोर कट के टू बच गया, फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर 16, मल्टीप्लाइड बाई टू 32 अपॉन थ्री, 32 अपॉन थ्री मैक्सिमम वैल्यू होगा एक्स क्यूब वाई टू पावर फोर का। क्या आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई टू पावर फोर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई टू पावर फोर शुड बी 32 अपॉन थ्री, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई टू द पावर फोर इज इक्वल टू 32 अपॉन, ये एक मेथड से हमने कर लिया, ए एम जी एम इनइक्वालिटी यूज कर लिया हम लोगों ने। ये ट्रिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और मेथड से करते हैं ट्राई इस क्वेश्चन को, थोड़ा लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन, है ना। सेकंड मेथड देखते हैं, वो भी आना चाहिए। उस मेथड से क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल में से एक को एलिमिनेट कर देंगे, एक सिंगल वेरिएबल में हमें फंक्शन मिल जाएगा और फिर मैक्सिमम मिनिमम यूज कर लेंगे। और देखते हैं कैसे, जो गिवन कंडीशन है वो लिख लेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x होल अपॉन 3, बहुत अच्छी बात है। अब ये पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको z मान लेते हैं, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई टू पावर 4, इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई वाई का पावर 4 मतलब 7 माइनस 2x होल अपॉन 3, इस पूरे का पावर 4, गजब, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम निकालना है कि जेड मैक्सिमम कब होगा वो निकालना है, तो उसके लिए कंडीशन होता है कि डी जेड अपॉन डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0, मैक्सिमम मिनिमम में ऐसा करते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन अगर 0 होगा तो क्या होता है बेसिकली, अगर कहीं भी मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, वो लाइन टेंजेंट जो होगा उसका टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप 0 होना ही पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन है ये, डी जेड अपॉन डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0, पुट कर दो इसको निकाल के, बहुत इजीली हो जाएगा सॉल्व, डिफरेंशिएट करना काफी आसान है इसको। प्रोडक्ट रूल यूज कर देंगे तो प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा, एक तो आ जाएगा एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स 7 माइनस 2x होल अपॉन 3 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई चेन रूल के हिसाब से जो एक्स्ट्रा कोफिशियंट है वो भी आना चाहिए, तो वो हो जाएगा माइनस 2 बाई, ये फर्स्ट टर्म हो गया। प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में इसको ऐसे छोड़ देंगे, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 2x अपॉन 3 का पावर 4, ये पूरा शुड बी इक्वल टू 0। ओके डन, तो इनमें जो चीजें कॉमन निकल सकती है उसको कॉमन निकाल लेंगे, एक्स का पावर 2 दोनों में है उसको कॉमन निकाल देंगे, एंड 7 माइनस 2x टू द पावर 3, 7 माइनस 2x अपॉन 3 का पावर 3, तो वो भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल सकता है। अर्थ वाले पार्ट को मैं इरेज करता हूँ, थोड़ा सा जगह बन जाएगा अपने पास, बोर्ड का कुछ पार्ट है जो यूज नहीं कर पाते हम लोग लिखने में, लेफ्ट वाला पार्ट अच्छे से यूज होता है उसमें कर लेते हैं। यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 7 माइनस 2x अपॉन 3 का पावर 3 ये भी बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा टर्म्स, पहले वाले टर्म में तो एक्स बच रहा है, ये एक्स एक बच रहा है, ये तो पूरा टर्म बाहर निकल चुका है, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई -2/3 ये निकल रहा है, मल्टीप्लाइड बाई -8/3, ठीक है, -8/3 मल्टीप्लाइड आ रहा है यहाँ पर, ये पहला टर्म हो गया, प्लस दूसरा टर्म भी यहीं पे एडजस्ट कर, ये टर्म तो बाहर निकल चुके हैं, रिमेनिंग क्या बचा है अंदर, अंदर बचा है एक 3 बचा है मल्टीप्लाइड बाई एक 7 माइनस 2x/3 एक्स्ट्रा बचा हुआ, 7 माइनस 2x/3 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, दिस शुड बी इक्वल टू 0, बस इतना ही कैलकुलेशन था हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, जरा इस वाले टर्म को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, दिया आ जाएगा 7 माइनस 2x अपॉन 3 का क्यूब, रिमेनिंग टर्म्स क्या है तुम्हारे पास, तो एलसीएम ले लो 3, तो ऊपर आ जाएगा -8x और प्लस कितना हो जाएगा 21 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशंस क्या क्या बनेंगे, या तो एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो 7 इक्वल टू 2x होना चाहिए मतलब एक्स इक्वल टू 7/2 होना चाहिए, या फिर ये जो ऊपर टर्म आ रहा है तुम्हारे पास -14x प्लस 21, इसकी वैल्यू या तो 0 हो जाए, अगर ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा,
एक्स इक्वल टू 21/14 मतलब 3/2। तीन में से कोई सॉल्यूशन हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, तीनों वैल्यू पुट कर दो अपने ओरिजिनल वैल्यूज ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4 था तुम्हारे पास, एक्स की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वाई तुमको पता है ना कितना है, वाई इज इक्वल टू 7 - 2x/3 था, वाई इक्वल टू कितना था, वाई आया था तुम्हारे पास 7 - 2x/3, उसके हिसाब से निकालते जाएंगे वाई की वैल्यू। एक्स 0 तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई पुट कर देंगे एक्स वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो वाई हो जाएगा 7/3 हो जाएगा ना, प्रोडक्ट तो 0 ही रहेगा, इसका प्रोडक्ट तो 0 ही रहेगा। तो सेकंड वैल्यू एक्स की वैल्यू 7/2 पुट करते हैं, 7/2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स 7/2 जो भी आ रहा है पावर पावर 3 मान लो है ना, वाई कितना हो जाएगा, वाई 7/2 जब पुट करेंगे तो वाई 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया भाई। ये तो मैक्सिमम नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू दिख रहा है हमें, एक्स वाई अगर पॉजिटिव ही है या इक्वल टू 0 पॉसिबल है, एक्स क्यूब वाई टू पावर 4 का 0 वैल्यू तो सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, मैक्सिमम निकालने का ट्राई करते हैं, मैक्सिमम यहां से निकल जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू 3/2 पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 3/2 तो वाई कितना आ जाएगा, अगर एक्स 3/2 रखते हैं तो एक्स को पुट करना है हमें 3/2 और वाई को पुट करना है हमने कितना, अगर पुट करते हैं तो 4/3, वाई आ जाएगा 4/3, एक्स 3/2 वाई 4/3 पुट करके हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। आओ निकालते हैं, ये राइट वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इधर इरेज कर देता हूँ, अगर आपका कुछ मिस हुआ होगा तो जरूर वीडियो को पॉज करके वापस जाकर देख लेना। एक्स को 3/2 पुट करते हैं, वाई को 4/3, 3/2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 का पावर 4, इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम से भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये आ जाएगा 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं, 4 to the power 4 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देते हैं, और नीचे 3 to the power 4 लिख देते हैं, ये एक 3 बचा रहेगा नीचे, कैंसिल करने के टाइम फिर से ये 2 2 के साथ एक 4 कट जाएगा, एक 2 and 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 रह जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 अपॉन 3। ये दो हमारा ये सॉल्यूशन सेम टू सेम आ गया, एक मैक्सिमम मिनिमम यूज करके एक AMGM इनइक्वालिटी यूज करके। आपको कौन सा मेथड पसंद आया बताना, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है डाउट क्लिनिक सेशन, बहुत दिनों के बाद मैंने एक डाउट सॉल्व किया है मैथमेटिक्स का, तो चलो ट्राई करते हैं इसको कंटिन्यू रखने का, आज का प्रॉब्लम था ऑन द टॉपिक मैक्सिमा मिनिमम। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आपके जो डाउट्स होंगे आप भेज सकते हो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर, जब टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा सॉल्व। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।